फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीबी कॉर्नर बाय परवीन। उम्मीद है कि आप सब लोग सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे, घर पे होंगे। आज का जो हॉल है वो है मिंत्रा का कुर्ता हॉल। कुर्ता सेट भी है, दो कुर्ता सेट है और तीन कुर्ते हैं, जो कि आफ्टर वॉश रिव्यू है आज का। क्योंकि मैंने मंगाया था, मैं वीडियो बना नहीं पा रही थी, टाइम नहीं मिल पा रहा था मुझे, तो इस वजह से मैंने इन्हें पहन लिया है। तो फिर मैंने एक दो बारी वॉश किया है, तो इस वजह से आफ्टर वॉश रिव्यू मैंने सोचा कि कर दूँ। क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जो वॉश करने के बाद ख़राब हो जाते हैं, या फिर कॉटन का होता है या गोल्डन प्रिंट होता है तो फेड हो जाता है। इसलिए आप आज का जो भी प्रोडक्ट है वो आफ्टर वॉश ही इसका रिव्यू है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला कुर्ता सेट। पहला कुर्ता है ये है विशुद्ध ब्रांड का। इसका साइज़ मैंने एल मंगाया है। जनरली मैं मीडियम ही मंगाती हूँ, बट इसमें मुझे एल साइज़ सही आ रहा है। और इस पर जो वर्क है ये गोल्डन प्रिंट है। इसका कलर डार्क है, बरगंडी कलर, बहुत ही प्यारा है इसका कलर है। और गोल्डन प्रिंट के साथ ये बहुत ज़्यादा उभर करके आता है, बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत ही खूबसूरत। इसकी स्लीव है, 3/4 स्लीव। इसके स्लीव पे भी पूरा गोल्डन प्रिंट है। और इसका जो आर्म होल है ना, नॉर्मल राउंड आर्म होल नहीं है, स्क्वायर शेप में इसका आर्म होल है, एल शेप। इसका नेक है, इसके नेक पे दिख रहा होगा आपको, इसके नेक पे पूरा गोल्डन प्रिंट है। स्लीव बैक साइड भी है, फ्रंट साइड भी है स्लीव पे प्रिंट, बट नेक पे बैक साइड में नहीं है, प्लेन है, ऑल ओवर प्लेन है। फ्रंट पे नेक पे है, काफ लेंथ की है ये कुर्ता। प्रिंसेस कट जैसा कि यहाँ से पैनल कट होकर के स्टिच होता है, वैसा है ये। मैं दिखा देती हूँ, यहाँ से पूरा पैनल लगा हुआ है नीचे तक। ये नीचे की तरफ ये गोल्डन प्रिंट है, फ्रंट और बैक दोनों साइड। इसकी एक बात ये अच्छी है कि इसका जो गोल्डन प्रिंट है ये वॉश के बाद गया नहीं है। आफ्टर वॉश मेरा रिव्यू करने का यही मेन रीज़न। बहुतों को ऐसा लगता है कि गोल्डन फॉइल प्रिंट जैसा है, तो ये वॉश करने के बाद चला जाएगा। कॉटन फैब्रिक है, कंफर्टेबल है, खूबसूरत है, अफोर्डेबल है, बहुत ही प्यारा पहनने पर इसका लुक बहुत प्यारा। सेकेंड है ये कुर्ता, इसका कलर मुझे बहुत प्यारा लगा था इसलिए मैंने इसे मंगाया है। ये है रंगीलो राजस्थान बाय मिंत्रा, मीडियम साइज, आफ्टर वॉश है ये भी। इसकी स्लीव थोड़ा सा फोल्ड करके रोल अप जैसा लुक दिया गया है, बट ये 3/4 इसका साइज है। बटन लगा हुआ प्लेकेट के साथ, इससे ज़्यादा ऊपर ये रोल नहीं हो सकता। फ्रंट से पूरा नीचे तक ऐसा ब्लैकेट लगा हुआ, बटन लगी हुई है, ओपन है, काफ लेंथ है, लेंथ बहुत अच्छी है। इसकी फैब्रिक है रेयॉन, जो कि अगेन कंफर्टेबल होती है, सॉफ्ट वाली रेयॉन है, अच्छी क्वालिटी की रेयॉन। ये भी पहनने पर बहुत अच्छा लगता है, कलर बहुत प्यारा है इसका। है सांग्रिया ब्रांड, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आई लव सांग्रिया। ये सांग्रिया का कुर्ता सेट है, ये कॉटन फैब्रिक है, इसका नेक है, ये नेक पे बटन लगी हुई है और ग्रीन थ्रेड से स्टिचिंग की हुई है, डिटेलिंग है स्टिचिंग की। 3/4 स्लीव है, इस पर भी रोल अप जैसा लुक बनाया गया है, रोल अप स्लीव जैसी होती है, बट ये 3/4 ही इसकी लेंथ है। और यहाँ पे भी ग्रीन थ्रेड की स्टिचिंग से डिटेलिंग दी हुई है, बहुत प्यारा लगता है। कलर इसका ऑफ वाइट जैसा है, पीच, लाइट पीच कह सकते हैं, ऑफ वाइट मिक्स जैसा सेट है। जैसा कि सांग्रिया में पॉकेट दी हुई थी, बट इसमें पॉकेट नहीं है। नीचे
प्लेन है, ऑल ओवर प्लेन है ये कॉटन, बहुत सॉफ्ट कॉटन, कंफर्टेबल, बट इसकी फैब्रिक थोड़ी थिन है, इसके साथ आपको स्लिप यूज़ करनी पड़ेगी। बना लिटिल बिट ट्रांसपेरेंट, हल्की ट्रांसपेरेंट दिख रहा होगा शायद आपको। इसके साथ मुझे मिला है ट्राउज़र, इतना खूबसूरत है ना ये ट्राउज़र, प्रिंटेड है, ग्रीन और थोड़ा येलो का कॉम्बिनेशन है, प्रिंटेड है, बट इसका कुछ भी कलर फेड नहीं हुआ है। बैक साइड इलास्टिक और फ्रंट साइड में प्लेन, ट्राउज़र में कोई पॉकेट नहीं है, बट इसका कलर बहुत खूबसूरत है, प्रिंटेड ट्राउज़र एंड प्लेन कुर्ता, इसका कॉम्बिनेशन बहुत खूबसूरत लग रहा है। इसमें एक और कलर ऑप्शन था जो कि ब्लैक, एंड उसका ट्राउज़र ऐसा ही कुछ है बट प्रिंटेड प्रिंट थोड़ा अलग है, और ये कुर्ता भी सेम पैटर्न बट ब्लैक है, आप चाहें तो वो भी ट्राई कर सकते हैं। कॉटन फैब्रिक समर्स के लिए बहुत ही कंफर्टेबल, और ये भी मुझे 599 में ऑफर में मिला था, तो प्राइस भी बहुत अफोर्डेबल। नेक्स्ट है सांग्रिया का ही वाइट कुर्ता, वाइट एंड ब्लू इज माई फेवरेट कलर। ये वाइट है, कॉटन फैब्रिक, 3/4 स्लीव, स्लीव्स के एंड पे स्काई ब्लू कलर का है, ये ब्लैकेट लगा हुआ है और वाइट स्टिचिंग की डिटेलिंग भी हुई है थ्रेड की, और ये फ्रंट में योक पोर्शन पे आपको ये लोटस शेप में एम्ब्रॉयडरी मिल जाती है, सैटिन एम्ब्रॉयडरी जिसे कहते हैं, भरी भरी वाली, बहुत खूबसूरत लगता है पहनने पे। सिर्फ ब्लू ट्राउज़र के साथ मैंने पेयर किया हुआ है, इसका भी पॉकेट, इसमें पॉकेट है दोनों साइड में, बोथ साइड पॉकेट है, और नीचे पूरी प्लेन है, ये काफ लेंथ की है, इसकी लंबाई बहुत अच्छी है, कॉटन फैब्रिक, बहुत ही खूबसूरत, समर के लिए थे परफेक्ट, समर के लिए परफेक्ट, बहुत ही प्यारी है, बहुत खूबसूरत है, आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगेन सांग्रिया, सांग्रिया का है ये ऑरेंज कलर का कुर्ता सेट है, ये भी कॉटन, इसका फैब्रिक भी कॉटन है, कंफर्टेबल है, 3/4 स्लीव है, यहाँ पे येलो कलर का पतला सा पाइपिंग लगाया हुआ है, ये रेड कलर का प्लैकेट लगा हुआ है, और यहाँ पे प्रिंटेड फैब्रिक है। ये जो फैब्रिक है ये सिल्क बेस है, इसलिए इसका कलर नहीं निकला है, फेड नहीं हुआ है, और सेम सिल्क बेस फैब्रिक यहाँ बैक साइड पे भी लगी हुई है, इसका भी कोई प्रिंट नहीं निकला है। इसका नेक है, ये नेक पे यहाँ पे बटन लगी हुई है, और ये वही प्रिंटेड फैब्रिक का ब्लैकेट अंदर की तरफ से, इसके लिए लुक को खूबसूरत करता है, प्लेन, ऑल ओवर प्लेन, पॉकेट है इसमें भी, वन साइड पॉकेट है, पूरा प्लेन ऑरेंज कॉटन, सांग्रिया ब्रांड, कंफर्टेबल, बट इसका जो ट्राउज़र है उसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसका जो कलर है ये वॉश के बाद फेड हुआ है, 3-4 वॉश के बाद ये ज़्यादा ही फेड हो जाएगा, जैसा कि आप थोड़ा थोड़ा देख पा रहे हैं, आफ्टर वन वॉश ये फेडेड लुक इसका हो गया, क्योंकि ये कॉटन फैब्रिक पे है, इसका कलर फेड हुआ है, और जो कुर्ते में फैब्रिक सेम प्रिंट का यूज़ हुआ है वो सिल्क बेस है, इसलिए इसका जो कलर है ये फेड नहीं हुआ है, आप देख रहे होंगे सेम प्रिंट है बट ये सिल्क बेस फैब्रिक यहाँ पे यूज़ हुई है, और ये कॉटन फैब्रिक है, इसका कलर फेड हुआ है और इसका नहीं। तो अगर आपको ये पसंद आ रहा है, आप लेना चाहते हैं, तो फिर आप ये माइंड में रखिए कि एक दो वॉश के बाद इसका जो ट्राउज़र है उसका कलर जो है फेड हो जाएगा। देखने में पहनने में तो प्यारा लगता है, बट एक दो वॉश के बाद इसका ट्राउज़र का कलर फेड हुआ है, कुर्ते का कलर फेड नहीं हुआ है, तो
मेरा वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगता हो, पसंद आता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिजनेस का सपोर्ट करिए। आप लोगों के सपोर्ट से ही फिर कुछ पॉसिबल हो पाएगा। तो मेरे आगे की वीडियोस और लेकर के आपके लिए ले आ पाऊँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, उसका कोई भी चार्ज नहीं लगता है। स्टार्टिंग है तो फिर बहुत ज़्यादा एडिटिंग वगैरह भी कुछ आता नहीं है, तो फिलहाल जैसा मैं अभी स्टार्टिंग में कर पा रही हूँ मैं अच्छा करने की कोशिश कर रही हूँ और आप लोगों के साथ अच्छे अच्छे वीडियो शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जो भी अगर आपको कुछ नेगेटिव पॉइंट्स आपको लगते हैं या जो कि मुझे कुछ सुधार करना चाहिए तो आप अपने कमेंट जो कमेंट बॉक्स है उसमें ज़रूर से आप लिख करके मुझे बताइए। और सारे प्रोडक्ट के जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी, आपको जो भी पसंद आता है उसे चेकआउट कर सकते हैं। और भी मेरे जो अदर वीडियोस हैं उन्हें आप देखिए, जो पसंद आता है आप जो प्रोडक्ट आपको अच्छे लगते हैं वो आप मंगा सकते हैं। तो मैं अब इनका पहन करके इन सारे प्रोडक्ट्स को आपको दिखा देती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मस्त बाय, बहुत खूबसूरत। Thank you.
थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। थैंक यू।